हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सदन में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा का 3 दिन का शीतकालीन सत्र रखा गया है। आज दूसरा दिन है इस शीतकालीन सत्र का। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही साथ सदन में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हिमाचल प्रदेश में दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और आइए सीधे रुख करेंगे इस वक्त अपने हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, कल जिस तरह से हंगामा देखने को मिला विधानसभा में, क्या माना जाए आज का दिन भी हंगामेदार रहेगा? आज किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन पहुंचेंगे? देखिए अजीता, बिल्कुल जो भाजपा ने अपनी पहले दिन की रिवायत है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी आज जरूर रहेगी। कल डिनोटिफिकेशन के मुद्दे पर भाजपा ने अपने तेवर दिखाए थे और अब माना जा रहा है कि सीमेंट की तालाबंदी और जिस तरह से पेपर लीक का मामला भी इस नई सरकार के सामने आया है, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि सड़क से सदन तक डिनोटिफिकेशन के मुद्दे पर भाजपा पहले ही अपने रुख को दिखा चुकी है, तो ये सभी मुद्दों को लेकर भाजपा अपने तर्कश में कमान दिए सदन में आज फिर आएगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात, एक नया चेहरा हिमाचल प्रदेश को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कुलदीप सिंह पठानिया का मिलने वाला है। कल उन्होंने इकलौता अपना नामांकन भरा था और कांग्रेस के इन चेहरे के सामने भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना समर्थन देते हुए ये साफ कर दिया था कि कुलदीप सिंह पठानिया ही अब हिमाचल प्रदेश के अगले विधानसभा अध्यक्ष होने जा रहे हैं। ऐसे में आज का दिन, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, और जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सत्र की ये कवायद रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण को कई बार गर्मा गर्मी माहौल के भीतर विपक्ष के तेवरों के साथ देखा गया है, लेकिन गरिमामयी माहौल को बनाते हुए क्या भाजपा राज्यपाल के अभिभाषण को पूरा होने देगी या उससे पहले इस तरीके का कोई कदम उठाएगी, वो संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। क्योंकि भाजपा नीत सरकार के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज अब जब अपना अभिभाषण पढ़ेंगे उसके बाद ही एक नया हंगामा हमारे को दूसरे दिन सत्र के दिन दिखाई दे सकता है। अजीता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए।